काऊ को सूखी रोटी, भूख सब एक ही सी होती, कफन में जेब नहीं नहीं। होती। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आरजे महतो ब्लॉग। सो आज हम लोग हैं जम्मू में और आज हमारा जो है 9वां दिन है। सो आज हम लोग रुके थे जम्मू में, वो रमेश सर के कोई परिचय वाले थे, उन्हें हम लोग को रात को रुकवाया था। सो बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों ने हमारा जो है सेवा संत किया। रात को भोजन की व्यवस्था, सुबह भी ब्रेकफास्ट भी करवा दी और जस्ट हम लोग अपना साइकिल लेके निकल चुके हैं। यहाँ से जो है कटरा लगभग 45 या 60 किलोमीटर होगा। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं कटरा के लिए। भाई लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो चला जाए। कलवा हो गए भाई। चला जाए, ये हो रहा कलवा हो गए, लेकिन देख रहे हैं रेड रेड दिख रहा है। हालांकि धूप में चलने से तो उतना थोड़ा सा होगा ही। सो हम लोग का खाना पीना भी बहुत मस्त नहीं हो रहा है। रात को अभी तो दो दिन से जो पठा जलंधर से चलने के बाद खाना पीना अच्छा मिल गया है। बाकी कल दिन में हम लोग कुछ नहीं खाए थे। कल मॉर्निंग में जो है बस बिस्किट खा के निकले थे और जो है दोपहर को चना और मूंग खा के आए थे। सो गाइस, हमें अब थोड़ी थोड़ी चढ़ाई मिलने लगी है और देख सकते हैं इस चढ़ाई पे पूरा टूरिस्ट गाड़ी लगा हुआ है, लाइन से लाइन। लगभग जितनी लंबी चढ़ाई थी सब में टूरिस्ट गाड़ी ही लगी हुई और लोगों का रिएक्शन गजब होता है मेरे को देख, क्योंकि हम लोग पैदल पैदल चल रहे हैं, चढ़ के जा नहीं सकते। सो गाइस, क्या ही मस्त व्यू है, देख सकते हैं इस साइड से एकदम पहाड़ों के बीच से कट 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 के रास्ता और ये सूर्योदय हो चुका है। ये है जम्मू भाई, चढ़ाई फिर डाउन, चढ़ाई फिर डाउन। डाउन में तो अभी चढ़ गए नहीं, तो साइकिल इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं हार्ड लग रहा है ना चलाने में। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। सो गाइस, ये व्यू देखने लायक है। आप देख सकते हो उस साइड भी पहाड़ है, एकदम मस्त पहाड़, और इधर नीचे थोड़ा बहुत घर बना हुआ है और आगे एक नदी है सामने, वो नदी बह के आ रही है। पता नहीं ये कौन सी नदी है, लेकिन गाइस देख सकते हो व्यू कितना मस्त लग रहा है। ओहो यार, गजब का लग रहा है। सो गाइस, मैं इसी रिवर के बारे में बात कर रहा था, ये है तावी रिवर और देख सकते हैं पानी जो है पूरा रेड रेड पानी जा रहा है। पानी बहुत ही गंदा है, बट इस नदी का नाम तावी रिवर है। और यहाँ से देख सकते हैं व्यू चारों तरफ का, मतलब अब जो है चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं। तो कटरा यहाँ से 38 किलोमीटर है। हमें यहाँ एक माता का भक्त मिला, तो रास्ते में जो है हम लोग चल रहे थे, सो इन्होंने बताया कि आगे चलो चाय पिलाता हूँ, तो सर का यहाँ क्लिनिक है। सो सर हम लोग को अभी आवाज़ लगाई फिर से और बोले कि बैठो चाय भी थोड़ा पी लो, ये भी माता के भक्त हैं। सर जय माता दी। हमें ये मेडिसिन भी दिया हुआ है और ये है सर का छोटा सा, जो भी है कह सकते हैं। जय माता दी सर, जय माता दी ब्रो। सो गाइज, हमें ये पहला टनल मिला है और अभी हम लोग हैं टनल के अंदर। दोनों साइड लाइट लगी हुई है, लेकिन एक साइड जो है लाइट जल रही है। और ये दूसरा टनल है। सो आज हम लोग लगभग सारे साइकिल यात्री एक साथ हो गए हैं, देख सकते हैं आगे में जो है करीब करीब 10-15 हो जाएंगे सब मिलके। सो रास्ते में कुछ पैदल यात्रा भी हैं। जय माता की, जय माता दी। देख सकते हैं बहुत सारे यात्री जा रहे हैं पैदल पैदल। सो ये भाई लोग सब पैदल यात्रा पे जा रहे हैं। हाँ जी, वैष्णो माता के बाद कश्मीर फिर। हाँ हाँ, यूट्यूब पे ये सामने देख सकते हैं त्रिकुट पहाड़। मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये वाला पहाड़ है जो बादल पूरा दिख रहा है, पहाड़ है
सो यही पहाड़ है त्रिकुट पहाड़, और इसी में है वैष्णो देवी माता का मंदिर और भैरव बाबा का एकदम ऊपर में है। सो लगभग हम लोग ये थोड़ा साइड में है और हमें इस रास्ते से होते हुए जाना है। सो थोड़ा टाइम लगेगा अभी। सो हम लोग आज जो है स्टे पहले कर जाएंगे, कल हम लोग देखेंगे अगर रूम वूम लेना पड़ा तो सोचेंगे उसके बारे में। फिलहाल अभी और बाबा लोग आ रहे हैं तो उनका वेट करते हैं, उन्हीं के साथ चल के आश्रम में रुकेंगे हम लोग। काउ को सूखी रोटी भूख सब एक ऐसी होती, कफन में जेब नहीं होती। कमालो कितने भी हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। बोल डबरू वाले की जय। ये मतलब सुन के मजा आ गया। ये भक्त जो है काफी मजेदार भक्त है। तो सोवे तो सक तकिया, ओ काउ को दे दई टूटी खटिया, चारपाई टूटी। हाँ जी जी जी। नींद सब एक ऐसी होती, कफन में जेब नहीं होती। गज़ब गज़ब। बाबा आप कुछ सुनाइए आज हम लोग को, आप थोड़ा सा ज्ञान दीजिएगा रात को। ज्ञान गुरु पहले गुरु बने मारे हैं। हाँ गुरु मंत्र का जाप बाबा सबसे, यानी हम लोग को थोड़ा आज ज्ञान बताइएगा थोड़ा देवी माता के बारे में। श्री कृष्ण भी मनुष्य रूप में आए, उनने गुरु किए थे पहले गुरु। वाले के कान है ना, इसको फुकवाना जरूर पड़ता है। अच्छा आपको ऐसे धाम के उनके अंग है जे, गौरा मैया के जो है, भोले बाबा की पार्वती के जो अंग है जी, सब जहाँ जहाँ अंग गिरे वही वही चिन्ह बना दिए, सिद्ध मंदिर बना वही शक्ति पीठ। आजकल क्या है आपस में तो मिलते हैं, मान गठ है वही पूछते हैं और कैसे हो, जमींदारी कितनी है, कितने बच्चे हैं, ये कोई किसी से नहीं पूछता। अभी कुछ प्रभु की तरफ ध्यान आपका कितना है, ये कोई किसी को नहीं पूछता। तो वो ये सत्य की कहानी है, मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है तो मृत्यु है। मरना तो यही है इस कलयुग के जमाने में, जब आए हैं मृत्यु लोक में ही आए हैं ना ही तो है भाई। सो गाइस अभी हम लोग कटरा से जस्ट थोड़ा सा पीछे हैं और अभी हम लोग ठहरने का जगह देख रहे हैं। सो गाइस अभी हो चुकी है शाम और ये हम लोग एकदम मंदिर के सामने, मतलब पहाड़ के सामने एकदम पहुंच गए हैं। तो शाम का व्यू कुछ इस तरह से है। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा और अभी हम लोग को रूम लेना पड़ गया क्योंकि जो है यहाँ पर टेंट उंट की कोई सुविधा नहीं है और कहीं रह नहीं सकते, धर्मशाला वगैरह में कुछ है नहीं। सो जो है हम लोग ये रूम ले लिए हैं, ये एक यहाँ डबल बेड है, शायद सिंगल बेड है, तो तीन जन आराम से सेटेंगे, काफ़ी चौड़ा ये रूम है। ये सारा सामान वगैरह हम लोग रख के कल मॉर्निंग में निकल जाएंगे, क्या बोलता है, दर्शन करके फिर कल आके रात को रुकेंगे और फिर परसों निकलेंगे। सो ये रूम पूरा सेपरेट है, ये चलता नहीं है और इस सब का भी ज़रूरत है नहीं। इधर एसी भी लगा हुआ है लेकिन इसका भी कोई ज़रूरत है नहीं, पूरा कवाड़ा हो चुका है। और इधर बाथरूम है। आज भी एक लड़का ने हमें यात्रा के लिए सहयोग किया है 101 रुपये, सो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। उनका नाम है प्रथम राय। सो धन्यवाद आपका भाई साहब, आपने जो हमारे यात्रा के लिए सहयोग किया उसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया। और इस वीडियो को इसी के साथ ही अंत करते हैं। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय माता दी।